देश का युवा इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों को समझते हुए रिवायती कोर्सों को छोड़कर स्पेशलाइज्ड कोर्सों की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिससे नवयुवकों को उभरते हुए क्षेत्रों में बढ़ते रोजगार के भरपूर अवसर प्राप्त हो सके। ये विचार पत्रकारों को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर RS बाबा ने रखे। टेस्ट में से 60% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। जो भी 60% अंक प्राप्त कर लेंगे उनमें से टॉप 1% को, कुल मैंने 10% को स्कॉलरशिप देना है। 10% का मतलब 800 स्कॉलरशिप हो जाएंगे, 800 स्कॉलरशिप। तो जो टॉप 1% होगा इस 10% का, विच मीन्स 80 स्टूडेंट्स कैन गेट 100% स्कॉलरशिप। टॉप 1% को 100% स्कॉलरशिप, अगले 2% को 50% स्कॉलरशिप, विच मीन्स 160 बच्चे 50% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद जो 3% होंगे, विच मीन्स 240 स्टूडेंट्स, वो 20% स्कॉलरशिप लेंगे। और फिर जो उसके बाद 4% है, विच मीन्स 320 बच्चे 10% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। में नहीं आ रहे उनको भी कम से कम 5% स्कॉलरशिप। सो जो बच्चा भी मेरे टेस्ट में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 60% अंक ले लेगा, उसको कम से कम 5% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब ये स्कॉलरशिप के बारे में मैं दो बातें और आपको विशेष बताना चाहता हूँ। आपके जरिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी जाती हैं और खबरें भी लगती हैं। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, आप देखिएगा 99 out of 100 वो कहती हैं कि स्कॉलरशिप विल बी ऑन ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप मिलता है। और ट्यूशन फी जो होती है आमतौर पर वो 20-30% होती है टोटल फीस का। जैसे 1,00,000 फीस लेते हैं, उसमें ट्यूशन फी होगी 20,000, तो उस पर स्कॉलरशिप मिलता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो पूरी सेमेस्टर फीस पे मिलेगा, एकेडमिक फीस पे स्कॉलरशिप मिलता है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिला है तो वो सेमेस्टर फीस नहीं देगा। जो एकेडमिक फीस है वो उसकी पूरी माफ़ होगी। जो 50% स्कॉलरशिप लेगा उसकी 50% फीस माफ़ होगी, इसी तरह से 20 और 10। दूसरी बात, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।